दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जाना हो तो उस स्थिति में आप अपने लिए रैपिडो बाइक कैसे बुक कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो रैपिडो बाइक बुक करने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है और बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाने की भी कोशिश की है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप अगले दिन या अगली बार रैपिडो बुक करोगे तो आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रैपिडो बाइक कैसे बुक करें, ना ही किसी भी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि रैपिडो बाइक कैसे बुक कर दे। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप प्ले स्टोर ऐप के ऊपर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर का जो ऐप है ओपन हो जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा रैपिडो। जैसे आप इसमें रैपिडो लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने रैपिडो ऐप आ जाएगा। अभी मेरे में यहाँ पे ओपन लिखा होगा, आप में इंस्टॉल लिखा होगा। जैसे आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप में भी यहाँ पे ओपन लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे आप में ओपन लिखा हुआ दिखेगा फिर आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको अलाउ का परमिशन पूछेगा, आपको अलाउ वाले परमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अलाउ वाले परमिशन पे क्लिक करोगे फिर से आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको अलाउ ओनली पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके फ़ोन स्क्रीन पे एक नया पेज इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा इंटर फोन नंबर। इसका मतलब यह है कि आप अपना फ़ोन नंबर इसमें लिखिए और आप देखोगे यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा OTP विल बी सेंड टू दिस नंबर, यानी कि आपके इसी नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। तो चलिए अब मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, आप भी अपना मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर लीजिएगा। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि OTP आया और ऑटोमेटिक वेरीफाई यहाँ पे हो गया मेरा। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो रैपिडो ऐप है वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। इस पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐड शो हो रहा होगा। ऐड को हटाने के लिए आपको क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करोगे ऐड हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा योर पिकअप लोकेशन। पिकअप लोकेशन का मतलब यह होता है कि आपको जहाँ से भी रैपिडो बाइक में बैठना है या जहाँ पे आप इस वक्त हैं उसको हम पिकअप लोकेशन कहते हैं। आपको यहाँ पिकअप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप पिकअप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आपको अपने उस जगह का नाम फिल करना है जहाँ से आप रैपिडो बाइक को पकड़ना चाहते हो, यानी जहाँ से आप रैपिडो बाइक पे बैठना चाहते हो। जैसे अभी मैं कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन पे हूँ तो मैं यहाँ पे कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन फिल करूँगा। जहाँ पे आप होंगे अपना उस जगह का नाम फिल कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कीर्तिनगर फिल कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक लोकेशन हमारा कीर्तिनगर वाला सर्च कर लेगा। देन यहाँ पे कंफर्म पिकअप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कंफर्म पिकअप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा इंटर डेस्टिनेशन, यानी कि आपको उस स्थान का नाम फिल करना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से कीर्तिनगर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कीर्तिनगर फिल करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कीर्तिनगर फिल कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कीर्तिनगर लिखा तो अब यहाँ पे कीर्तिनगर आ चुका है, मैंने कीर्तिनगर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रैपिडो बाइक और रैपिडो ऑटो सर्च होके आ चुके हैं। रैपिडो बाइक में एक लोग बैठते हैं जिसका प्राइस होगा 14 रुपये, यानी 14 रुपये में मुझे कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन से ले जाके कीर्तिनगर छोड़ देगा। और यहाँ पे ऑटो भी सर्च होके आ रहा है जिसमें 3 लोग बैठ के जाएंगे और जिसका भाड़ा बनेगा 41 रुपये। अब ऐसा नहीं है, एक लोग बैठेंगे तब भी आपसे 41 रुपये लेगा और 3 लोग बैठेंगे तब भी ये आपसे 41 रुपये लेता है, इन सबका फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए मुझे बाइक बुक करना है तो मैं क्या करूँगा, बाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने बाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया इसके बाद अब मैं बुक बाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने बुक बाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे ये फाइंडिंग कर रहा है। जैसा कि अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक बाइक मेरे लिए बुक हो चुकी है। जो ड्राइवर है उनका नाम है नरेंद्र कुमार और जिनका गाड़ी नंबर रहेगा यह है। आपको यहाँ पे एक पिन मिला होगा, जब वो आएंगे तो आपको यही पिन देना पड़ेगा जो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा।
अगर आपको उन्हें कुछ मैसेज करना है तो आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई जल्दी है तो आप तुरंत बोलिए कि भाई मुझे जल्दी है, मैसेज करके आप लिख सकते हैं। जो इनके पास बाइक है उसका नाम है होंडा मोटरसाइकिल इनके पास है। आपको कॉल करना है, मैसेज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको राइड कैंसिल करना है या जल्दी नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैंसिल बटन दिख रहा होगा, आपको कैंसिल बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैंसिल बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यह पूछ रहा है कि आप किस लिए कैंसिल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कोई सा भी रीज़न चुन सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ प्लान का रीज़न चुन लिया, तो जैसे मैं चेंज ऑफ प्लान पे क्लिक करूँगा इसके बाद फिर से यहाँ पे कैंसिल राइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कैंसिल राइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप कैंसिल राइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी राइड होगी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। आपसे ये मेरी उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के दौरान आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।